press the bell icon for all updates. Bolo Ganpati Bappa Moriya, Akile Barastu Lokariya. आई नो ऑफ कोर्स हर साल के जैसे इस साल भी बहुत बुरा लग रहा है, बट इस साल थोड़ी बहुत असली है कि बप्पा घर में ही विसर्जित हुए, विच गिव्स अ नाइस फीलिंग कि बप्पा गए भी हैं पर फिर भी वो आपके साथ ही हैं. एंड आई फील यू नो लोगों को धीरे धीरे ये जो हमने जो कुछ लोग ये शुरुआत में की है और इनिशिएटिव लेके ये कर रहे हैं, ये लोगों को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, विच प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट एज वेल. सो यस, थोड़ा बहुत बुरा तो लग रहा है, बट अगेन बोलते ना कि बप्पा जाएंगे नहीं तो वापस आएंगे कैसे. और जैसे बप्पा गए हैं वैसे ही बहुत जल्दी अगले साल वापस आने वाले हैं और पता भी नहीं चलता है. पप्पा आते आते मतलब प्रिपरेशन करते करते हमें लगता है अरे पप्पा तो आ भी गए, और फिर जब आ जाते तो ऐसा लगता है अरे जाने का भी टाइम आ गया है पप्पा का. सो यस, डेढ़ दिन थोड़ा कम हो जाता है, बट ऑफकोर्स लाइक बॉम्बे में काम के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना, और बहुत बड़ी फैमिली है नहीं, छोटी फैमिली है, हु आर एवरी वन इज़ बिजी यू नो विद देयर वर्क, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप मोर देन वन एंड हाफ डे. बट कोई नहीं, पप्पा आए, हम सब ने पप्पा को बहुत प्यार से रखा है, आई एम श्योर पप्पा को भी अच्छा ही लगा होगा, एंड अगले साल बहुत जल्दी पप्पा आ भी जाएंगे. क्या है, मैं पहले ऑफकोर्स सबको पता है कि मैं जूहू जाती थी. सो लास्ट टू लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट टू जूहू, पहले भी हुआ है बट लास्ट ईयर बहुत ही गंदे तरीके से, विच आई फेल्ट वेरी सैड. जब विसर्जन के लिए हम जा रहे थे तभी एक पप्पा मेरे विसर्जित किए हुए पप्पा मेरे पैर के नीचे आ गए, यू नो बीच में. एंड देन वेन यू, क्योंकि हम एक्साइटमेंट में जाते हैं हमें पता नहीं चलता, बट वेन यू सी अराउंड यू विल सी कि हर जगह पे इधर पप्पा का इधर पैर पड़ा है, वरना सर पड़ा है, वरना बॉडी पड़ी है. तो लोग एक्साइटमेंट में चले तो जाते हैं पर उनको समझ में नहीं आता कि उनके पैर के नीचे पप्पा आते जा रहे हैं. सो आई डोंट नो वो अपने फेथ को कैसे कनेक्ट करते हैं उस चीज़ के साथ, बट आई कांट कनेक्ट विद दैट. देन आई स्टार्टेड गोइंग, लास्ट टाइम मैं आर ए में गई, सो मुझे थोड़ा बुरा लगा बिकॉज यू नो यू सेंड योर पप्पा विद लाइक 25-30 बप्पा एक साथ, एंड दे जस्ट गो एंड जस्ट थ्रो इट इन द पॉन्ड और लेक और रिवर. अगेन मुझे थोड़ा बुरा लगा, अभी जिनके पास कोई चॉइस नहीं है शायद वो करते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है जिसका हमारा चॉइस नहीं है. सो इस बार मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है मेरे साइज़ के साथ, बिकॉज इको फ्रेंडली आपको बहुत बड़े मूर्ति नहीं मिलते हैं, आई गेस 20 inches और 22 inches मैक्सिमम मिलता है. सो आप अगर थोड़ा साइज़ के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फेथ मोर देन द साइज़. सो उसमें अगर आप थोड़ा एडजस्ट कर लेते हो, सो वॉट यू कैन डू कि आप इको फ्रेंडली गणपति ला सकते हो घर पर, आपको आपके साइज़ का लाइक 22 inches इज़ द मैक्सिमम साइज़ विच यू विल गेट इट. होपफुली आगे जाके और बड़े साइज़ भी मिलेंगे, बट इको फ्रेंडली अभी भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, अवेयर ज़रूर है पर अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया. सो मैंने अपने रीजन्स दिए बाहर नहीं करने के, सो हियर आई कैन डू कि आप ड्रम ले आओ, एक बड़ा बकेट ले आओ जहाँ पे आप इमर्स कर सकते हो, विसर्जित कर दे सकते हो. सो येस, सो आई डिड इट, जो मट्टी मेल्ट होके उसमें से निकलेगा, इनफैक्ट यू कैन यूज़ दैट, आप उसको आप पॉट में डाल के उसमें प्लांट उगा सकते हो. सो विच अगेन यू विल फील गुड, ओ माई गॉड पप्पा तो मेरे पास ही हैं, यू नो दैट दैट्स अ ब्लेसिंग अगेन, इट्स ब्लीसफुल. सो आई लाइक टू से कि आप लोग ये जो इको फ्रेंडली गणपति हैं, आई नो यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, बट प्लीज़ एक्सेप्ट इट, गो अहेड विद इट. एनवायरमेंट को हमें
एक बोलते हैं ना, एक नेचुरल पावर है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, और वो पावर जब हम इमर्स्ड करते हैं तो अगेन हम नेचर को ही दे रहे हैं, विच इज़ वेरी, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि आपके फेथ के साथ कुछ भी ऐसा गलत हो रहा, ना उसके ऊपर ना उनका सर कहीं पे जा रहा है, ना उनका पैर कहीं पे जा रहा है, आप अपने हाथों से कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड. मतलब आज जो मेरा सेटिस्फैक्शन है इतने सालों का, दिस इज सिक्स्थ ईयर, बट आज जो मेरे अंदर का सेटिस्फैक्शन है गणपति विसर्जन में, वो शायद आज तक नहीं हो, हमेशा मन भर आता था. आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि पापा, ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, माय पापा इज़ सो प्रोटेक्टेड, पापा इज़ सेफ, सेफली. हम बोलते हैं ना कि कोई जब कहीं जाता है तो हम बोलते हैं प्लीज़ रीच सेफली, बट वी डोंट नो जब तक वो बोले नहीं. तो आज ऐसा है कि खुद ही घर पे जाके छोड़ के आई हूँ एंड ही रीच सेफ, सो इट्स अ गुड फीलिंग आफ्टर. ओके, देवलेना इस बार क्या विश मांगी आपने पापा से? अरे बाप रे, विश तो ऑफकोर्स बताई नहीं जाती है, आप भी नहीं बताती होगी आई एम श्योर, बट ज़रूर बताऊँगी जब भी ये विश पूरी हो जाएगी मेरी, होपफुली बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी. सो जैसे भी पूरी हो जाएगी आप सबको मैं खुद बताऊँगी एंड यू नो दैट.